रांची आए कि नहीं आए, एक और ट्रिप का प्लान बन गया। दो बैग एक बाइक। हाँ जी, थोड़ा तो सांस ले लो, फिर तो बात करते हैं। तो हाँ, आपका भाई मोबाइल और सेल्फी स्टिक लेके दौड़ रहा है, बिकॉज़ रांची का हालत ख़राब है और हम लोग को अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है। और मेरे दौड़े हुए काफ़ी दिन हो गया ये लॉन्ग रन की हुए, तो मेरा हार्ट टाइट है। ओह, मेरा घर से रिंग रोड पड़ता है 10 किलोमीटर, और मेरे भैया का घर से रिंग रोड पड़ता है अराउंड 5.5 किलोमीटर, और 5.5 किलोमीटर दौड़े हैं और हालत नहीं, हालतें ख़राब हो गई है। क्या हालतें, अरे यार पसीना, वाट इज़, अरे पहले इतना दौड़ते थे ना, 5 क्या 10 किलोमीटर दौड़ते थे, तो हमको कुछ बुझाता नहीं था, कुछ फील ही नहीं होता था, लगता है कि वार्म अप किया है। अभी 5 किलोमीटर में हालत ख़राब हो गया है, जोश में तो आ तो गए हैं, जाएंगे कैसे, ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट लूँगा। तो हाँ जी, अभी रांची का जो करेंटली सिचुएशन चल रहा है वो काफ़ी ख़राब सिचुएशन चल रहा है। यानी जो रूम दिख रहा है ना, वो मेरा रूम नहीं है, हम अभी अपने भैया के यहाँ रुके हैं। एंड क्यों रुके हैं वो आपको 3-4 ब्लॉग के बाद पता चल जाएगा। अभी से जो 4 ब्लॉग आने वाला है ना, वो मेरा पिछला ब्लॉग है, मतलब 1 से 2 सप्ताह पहले का ब्लॉग है जो हम अभी डाल रहे हैं। सो अभी करेंटली आई एम नॉट ट्रैवलिंग एनी मोर, वही हम रांची में हैं। सो जितना भी अभी 3-4 ब्लॉग आएगा वो पिछला पुराना ब्लॉग है, बाकी हम अपना स्टॉक जमा कर लिए हैं कि लॉकडाउन भैया कभी भी हो सकता है। तो मेरा वे प्रोटीन शेकर, बिकॉज हम अपने भैया के पास है, अभी घर नहीं गए हैं, ट्रैवल करने के आने के बाद हम घर नहीं गए। मल्टीविटामिंस फिर से जिद कर, अब जिद करने का तो भैया फायदा भी नहीं है। बोल रहे थे बहुत किस्मत वालों को अपना प्रोटीन पाउडर में उसका स्कूप ऊपर में मिलता है। बॉडीज क्यूर्स, चाय की चुस्की नहीं, प्रोटीन चिक्की चुस्की। भैया क्या ना, इंटरनेट स्पीड कुछ हर दिक्कत, मतलब वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेगा, 14-15 Mbps, वो भी जियो। तो भैया ये मेरा हाफ पैंट है, कोई इसके बारे में नहीं बोलेगा, कोई इसके बारे में बोलेगा ना तो अपन इसको ढूंढ देगा, समझ रहे हो। तो आई वाज टेलिंग कि रांची का हालत ना अभी काफ़ी ख़राब चल रहा है, एंड
ये जितना भी व्लॉग्स आ रहा है, जितना भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स आ रहा है ना, मैंने इसे एक दो सप्ताह पहले शूट कर लिया था। तो अभी करेंटली हम कभी अभी तो घूमने नहीं जा रहे, ट्रैवल करने नहीं जा रहे, बिकॉज रांची का एक वीडियो आया है जहाँ हम रहते हैं उसके थोड़ा सा पहले घाघरा पुल है और वहाँ पर एक घाट है जहाँ पर इंसान को बरियल किया जाता है, शमशान घाट है। तो वहाँ पर जो कोविड का केस है ना, एक दिन में कल 106 केसेस मिला है। और वहाँ का वीडियो देख लो, मुझे इंस्टाग्राम में मिला है, तो देख लो सिचुएशन। पहले हम अपना एसी बंद कर लेते हैं, मेरा एसी बहुत आवाज़ कर रहा है, एसी बंद करने दो, बहुत महंगा एसी है। तो इंस्टाग्राम में मोटा ने मुझे ये चीज़ भेजा क्योंकि हम आप लोग को दिखा सके एंड आप लोग को थोड़ा सचेत कर सके। आई नो आप लोग केयर कर रहे हो, बट एक स्टेप और केयर करना पड़ेगा अपनों का एंड सब लोग का, बिकॉज इस बार का जो सिचुएशन है ना पिछले बार से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखो ये है जो इंस्टाग्राम में लिंक आया था, एंड दिस इज द घाघरा वाला घाट। ये जितने भी एम्बुलेंस है वो एक दिन का सिचुएशन है, मतलब अराउंड 20-30 से ज़्यादा एम्बुलेंस होंगे एंड एक दिन में 106 डेड बॉडीज को जलाया गया है। तो देख लो पहले, रुको एसी ऑन कर लेते हैं। हाँ तो भैया जो सिचुएशन है ना रांची का एंड बहुत सारा प्लेसेस का सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी हम लोग सावधानी तो बरत रहे पर कितना ही बरतेंगे, हम लोग को आँख से थोड़ी ना पता चल रहा है किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है। इसके बाद हम लोग बस अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रख सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर निकल नहीं सकते एंड यार बस प्रे करो, अपने लिए प्रे करो, अपना फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रे करो, जो हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उसके लिए हम प्रे करते हैं। बाकी आप लोग बस केयर करो अपना। एक दिन में 106 डेड बॉडीज जलाया गया है घाघरा वाला शमशान घाट में, और क्या ही बोल सकते हैं। सो जितना भी ये 4-5 व्लॉग आने वाला है आगे का ना, मैंने एक दो सप्ताह पहले रिकॉर्ड कर लिया था, ट्रैवल कर लिया था, जो 4 व्लॉग में आएगा। सो आई एम नॉट ट्रैवलिंग अभी। सो आप कोई इंस्पायर होके कहीं भी मत निकलो, ट्रैवल मत करो। बाकी इंटरटेनमेंट चाहिए तो हमारे यूट्यूब के दुकान पर आओ, व्लॉग्स देखो, घर में बैठो, चिल करो, एक्सरसाइज करो, अब व्लॉग देखो, यही बोलना था। बाकी सब रांची आए कि नहीं आए, एक और ट्रिप का प्लान बन गया। दो बैग, एक बाइक, व्हाट इज़